मलहीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने इकौना थाने में तहरीर देकर कुछ लोगों पर रुपए ठगने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार ठगों ने उसे हीरोइन बनाने का झांसा दिया था। मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने ऊपर हुए उत्पीड़न की बात बताते हुए कहा कि वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करती है। महिला को गाने का शौक है और उसने कुछ माह पूर्व एक गाना रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला था। गाने की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इकौना थाना क्षेत्र में अपना स्टूडियो चलाने वाले एक युवक ने महिला से संपर्क किया और हीरोइन बनाने की बात कही। युवक की बात सुनकर महिला राजी हो गई। युवक ने अपने कुछ दोस्तों को भी इसमें शामिल किया और महिला को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इकौना बुलाया। 12 फरवरी को महिला इकौना पहुंची तो युवकों ने अपनी आने वाली फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर किया। इसके लिए महिला से 1.5 लाख रुपए मांगे। इस पर महिला रुपए न होने की बात कहकर वापस चली आई। 10 मार्च को दो युवक महिला से मिलने दिल्ली पहुंच गए और रुपए मांगने लगे। महिला का आरोप है कि उसने अपना जेवर बेच दिया और सहेलियों से कुछ रुपए उधार लेकर 1.5 लाख रुपए युवकों को दे दिए। साथ ही युवक 6 दिनों तक महिला के साथ रहकर शारीरिक शोषण करते रहे। कुछ दिन बाद महिला ने फोन करके शूटिंग के बारे में जानकारी की तो युवकों ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए बात टाल दी। महिला जब भी फोन करती तो युवक उसको टालते रहे। इस पर महिला ने अपने रुपए वापस मांगे तो युवकों ने अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ। महिला ने इकौना थाने पहुंचकर युवकों के विरुद्ध 1.5 लाख रुपए ठगने और यौन शोषण की तहरीर दी। सर, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, ठीक है, तो वहाँ से ये मिशन स्टूडियो मतलब नंबर पा गए मेरे, ठीक है। इसने मेरे से संपर्क किया कि मतलब आप ये इसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं है और आप मेरे स्टूडियो में आ जाइए और मैं आपको मूवी में काम दूंगा, हीरोइन का रोल करना है, ठीक है। मैंने बोली ठीक है, इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। फिर इसके बाद में दो तीन गाने बनवाए मेरे से। उसके बाद में इन्होंने बोले कि आपको मूवी में रोल करना, हीरोइन का रोल देना है, कि उनके फ़ोन पर जितना भेजी थी उसका सारा डिटेल मेरे पास है और इसीलिए गलत संपर्क भी बना लिए मेरे से, फ़ोन पे बात बात करने लगे। उसके बाद में मेरे जिस्म के साथ खेले खाल के मतलब वहाँ से नहीं मेरी इज्जत भी लूटी, वहाँ से भी चले आए 1.5 लाख रुपया लेके। उसके बाद में मैंने कॉल करी इनके पास, इन्होंने बोला, मेरे को धमकी देने लगे, गाली वाली बकने लगे, बोले 1 किलोमीटर अगर आप स्टूडियो के आसपास में रोकेंगे तो आपको जान से मार दूंगा और आपको कोई सपोर्ट करेगा तो उसको मैं जान से भी मार दूंगा, गोली मार दूंगा। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित ने बताया कि पीड़िता से मामले में तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली है, अभी उनको हम लोगों ने इस लाश को देखते हुए अभी बुलाया कि हम लोग आ रहे हैं, मगर उस पर जाकर कहीं बैठ कर दोनों पक्ष को बुला करके देखा जाएगा। अगर थोड़ा भी इसमें किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।